साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। साथियों, एक नए टॉपिक पे आज बात करने जा रहे हैं कि अलग हटके। मैंने पहले बताया था कि गलफ से रिलेटेड ही मैं वीडियो डालूंगा, लेकिन नहीं यार, लोगों की रिक्वायरमेंट है ना, ये दिन प्रतिदिन गलफ से हटके अलग कंट्रियों में जाने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि कुछ टॉपिक ऐसे मेरे पास बार बार कमेंट आते हैं, लगभग काफी टाइम से मैसेज आ रहे हैं सर, मालदीव पे, सिंगापुर पे, या फिर ये फिजी, या फिर और भी जैसे पोलैंड वगैरह, ये जो कंट्रियां हैं ना, इससे रिलेटेड आप वीडियो बनाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि हफ्ते में एक आधा वीडियो इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाया जाए, ताकि बहुत सारे लोग इससे सर्चिंग वीडियो सर्च करते रहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं एजेंट के वो इनके झांसे में मान लीजिए, या फिर जॉब से रिलेटेड वो कहीं ना कहीं एजेंटों के चक्रों में आते रहते हैं कि कोई एजेंट बोलता है हमारे पास इस कंट्री का जॉब है, कोई मालदीव का बोलता है, कोई पुर्तगाल का बोलता है, कोई पोलैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, पता नहीं कौन कौन सी कंट्रियों के। तो अपन शुरुआत आज करेंगे साथियों मालदीव कंट्री से रिलेटेड। अगर आप मालदीव कंट्रीज में घूमने से रिलेटेड जाना चाह रहे हैं, जॉब से रिलेटेड जाना चाह रहे हैं, तो वीजा किस तरह से, क्या प्रोसेस, कंट्री कैसी है। अब लोग तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन भाई अपन तो फेस टू फेस ही बताते हैं। जितनी जानकारी होगी फेस टू फेस शेयर कर देंगे। वीडियो अच्छा आप लोग को लगेगा तो आप लाइक कर दोगे, अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर दोगे, ताकि उस वीडियो पे और ज्यादा सर्चिंग करके आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर किया जा सके, ताकि आपको ये लगे कि यार अपन इस कंट्री में जा रहे हैं, तो आपको सही तरीके से सही गाइड मिल सके, ताकि आपका टाइम, आपका पैसा, आपका सिस्टम सब कुछ यथावत रहे, आपका सिस्टम बचा रहे, ताकि आप बर्बाद न हो। तो चलिए आज अपन शुरुआत करते हैं मालदीव कंट्री से रिलेटेड। खास तौर से साथियों मालदीव जो जाने के इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो बता दूं जानकारी के लिए कि मालदीव एक बहुत ही टूरिज्म के रिलेटेड ये कंट्री है। लगभग टूरिज्म से रिलेटेड वहां पे लोग घूमने के लिए ज्यादा जाते हैं, और इंडिया से मान लीजिए, कोई भी कंट्री से मान लीजिए, बहुत सारे लोग घूमने से रिलेटेड पर्पज से वहां पे जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का जॉब से पर्पज से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो उनके लिए भी ये जानकारी मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा वीडियो आके। अगर आप नीचे एक और कमेंट करोगे तो मैं आगे एक वीडियो और बना दूंगा जॉब से रिलेटेड। तो बहुत ही मालदीव एक सुंदर कंट्री, टूरिज्म कंट्री है साथियों, छोटा सा देश है, टापू टाइप का, ठीक है, आयरलैंड के मान लीजिए, टापू मान लीजिए, उस कैटेगरी का एक कंट्री है। आबादी की बात करें तो मालदीव में मात्र 5 से 6 लाख लोग रहते हैं जी, छोटा सा शहर मान लीजिए, इतनी सी आबादी है मालदीव की। ठीक है, अब मालदीव करेंसी की बात करें तो मालदीव में अगर वहां पे रुपया चलता है, जैसे इंडिया में रुपया चलता है, वहां पे रुपया चलता है। ठीक है, अब एक यूएसडी अमेरिकी डॉलर की बात करें तो मालदीव का रुपया 15 होता है, यानी एक यूएसडी बराबर 15 रुपए मालदीव के, इतना करेंसी वहां का है, रुपया बोल सकते हैं आपको अपनी भाषा में, रुपया। इंडिया का भी रुपया होता है, वहां पर भी रुपया होता है, ये मान लीजिए। समय के हिसाब से भारत से आधा घंटे सिर्फ आगे है। ठीक है, जैसे मलेशिया काफी टाइम आगे है, 1.5-2 घंटे, 2 घंटे करीब मलेशिया आगे है, दुबई 1.5 घंटे के आगे है, गलत लगभग 1.5-1 घंटे के करीब आगे है, लेकिन मालदीव मात्र आधे घंटे का। यहाँ 12 बजते हैं तो वहां पे 12:30 बजते हैं, इतना ही डिफरेंस है। मालदीव में टोटल 12 एयरपोर्ट है, छोटा सा कंट्री है लेकिन एयरपोर्ट 12 है, जिसमें 4 लोकल डोमेस्टिक है, 8 डोमेस्टिक है, सॉरी, ठीक है, लोकल एयरपोर्ट हो गए, 4 हो गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आप जाते हैं तो आपको कलकत्ता या फिर बॉम्बे से डायरेक्ट फ्लाइट मिल सकती है, बाकी दिल्ली से, हमारे राजस्थान से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती। ठीक है साथियों, अभी अगर शुरुआत हो गई है तो मुझे नहीं पता, पहले नहीं मिलती थी। वीजा की बात करें तो आपको पता है सबसे बेस्ट वीजा का मालदीव का क्या फायदा है, आपको ऑन अराइवल वीजा है इंडिया के लिए। जी हाँ, इंडिया के लोग अगर आप जाना चाहते हो तो आपका वीजा का पैसा नहीं लगेगा, एजेंट फिर भी वीजा का पैसा ले लेते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं होता तो एजेंट बोलते हैं हाँ जी 10,000 रुपये वीजा के दो, जबकि सच्चाई है कि ऑन अराइवल वीजा है, कोई पैसा नहीं लगता। एयरपोर्ट पे जाओगे, वहां पे काउंटर पे ठप्पा लगवाओ, ठीक है, और आपका टिकट वगैरह चेक करवा के अपना काम हो जाता है। इमिग्रेशन क्लियर करवाना पड़ता है, इसमें मैं बता दूं आपको, वीजा आपका ऑन अराइवल हो गया, एयरपोर्ट पे आप जाओगे तो काउंटर पे आपकी मोहर लग जाती है वीजा की। ठीक है साथियों, फिर आपके पास ओरिजिनल टिकट होनी चाहिए, आने की जाने की दोनों, होटल बुकिंग ओरिजिनल होनी चाहिए। काफी सारे लोग क्या होते हैं फेक बना लेते हैं, तो वो दिक्कत कर, कल को इमिग्रेशन चेक कर लेता है, तो पेड होटल बुकिंग होनी चाहिए आपका, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा, उनके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, घूमने के लिए जा रहा हूं इतने दिन वापस, आपको शो मनी चेक। अब शो मनी की बात करें तो अगर आप मालदीव जा रहे हो तो 700-800 हजार डॉलर तक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इतना कम से कम वैलिड है। आप खर्च मत करो, वो कोई इश्यू नहीं है कि आपको 1,000 डॉलर पूरा खर्च करके आना, नहीं, आप कितना भी करो लेकिन इतना शो मनी के तौर पे होना चाहिए। अगर कैश नहीं है तो आपके अकाउंट में होता है तो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। डॉक्यूमेंट पूरे, जिसमें होटल बुकिंग हो गई, आने जाने की टिकट हो गई,
और तो क्या चाहिए, बस यही चाहिए इसमें, और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। मालदीव में पता है साथियों सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आपको 3 90 दिन का यानी 19 डेज का आपको वीजा मिलेगा, 90 दिन का वीजा मिलता है आपको, 3 महीने का वीजा साथियों कम नहीं होता है। 3 महीने में आप वो बहुत घूम सकते हो, सब कुछ सर्च कर सकते हो, जॉब से रिलेटेड भी आप सर्च कर सकते हो, आपको को आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप जॉब वगैरह एजेंसीज में कंपनियों में पूरा अच्छी तरह से आप छानबीन कर सकते हो, ठीक है। जॉब सर्च कर सकते हो किसी भी प्रकार के जिसमें आपकी रुचि है, आप करना चाहते हो। एक बात और मैं बीच में बता दूं कि मालदीव में आपको कोई अनपढ़ नहीं मिलेगा, 99% लोग पढ़े लिखे साक्षर है वहां पे। जी हाँ, क्योंकि छोटी कंट्री जहां होती है उनका विकास ज्यादा होता है, वो सब दुनिया को पता होता है, तो 99% लोग वहां पे पढ़े लिखे साक्षर मिलेंगे, अनपढ़ नए के बराबर वहां पे होते हैं, ठीक है साथी। आप अगर जॉब सर्च कर रहे हैं तो एक बात बता दूं साथियों, मालदीव में सैलरी ज्यादा नहीं है। अगर आप बात करें दुबई, कतर, मलेशिया, इनके बराबर सैलरी मिलेगी। अब एजेंट आपको बड़े बड़े सपने दिखा के भेज देते हैं, मालदीव के नाम से ज्यादा 1.5 2 लाख रुपए आप दे देते हो भाई, जबकि सच्चाई ये है कि सैलरी ज्यादा नहीं मिलती। लेबर की सैलरी कोई बताता है $300 $400, लेकिन सैलरी ये ही मिलेगी $300 $400 आपको लेबर कैटेगरी, कंस्ट्रक्शन में 400 500, लास्ट $400 आपको कंस्ट्रक्शन में मिल सकती है। होटल में अगर आप कुकिंग से रिलेटेड या होटल से है तो 600 700 USD आपको इसमें सैलरी मिल सकती है, यानी दुबई मलेशिया कतर के बराबर ही आपको सैलरी 25 30 हजार रुपए, इससे ज्यादा आप सैलरी वहां पे नहीं कमा सकते। मैंने आपको मोटा मोटी जानकारी दी है, अगर आप ज्यादा गहराई में जैसे वीजा कैसे लगता है, वर्क परमिट वीजा कैसे होता है, वीजा आप कहाँ से लें, कैसे अप्लाई करें, सैलरी कौन से जॉब में कितनी होती है, अगर आप इन सबसे रिलेटेड इंक्वायरी चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल से बता दूंगा। अभी तो आपको ऊपर की जो भाषा जिसको बोलते हैं वो उनके बारे में आपको बताया। मेरे हिसाब से वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक और शेयर करने के साथ साथियों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज नए टॉपिक में इसी रिलेटेड आपको मिलते रहें, जिससे आपको सही गाइड और सही मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आपको लोग आपका पैसा ठग ना सकें। और ठगी जहां होती है वहां होती है, जहां पे आपको नॉलेज इस चीज का नहीं होता, 10 रुपए की चीज है, अगले ने 50 100 रुपए मांग लिए तो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि उसको आपको पता नहीं है। अगर आपको पहले से पता होता है तो आप या तो मना कर दोगे या बोल सकते हो भाई इसका इतना नहीं इतना है, तो अगले को भी पता लग जाता है। इसी तरह के वीडियो लेने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि हर रोज नए टॉपिक पे इस तरह के वीडियो आपके पास आते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।